नवी मुंबई के घरसोली में बीती रात एक मां ने अपने ही दो बच्चों की हत्या करने की घटना हुई। यह हत्या अपने पति से हुए झगड़े की वजह से ऐसी जानकारी सामने आई। इस पूर्व मां ने अपने दो बच्चों को चाकू और ब्लेड से वार कर हत्या की है और फिर उसने खुद पर ब्लेड से वार कर खुद को पंखे से लटका लिया, लेकिन पंखा टूट गया और उसकी जान बच गई। पंखा टूटने की आवाज़ सुनकर बिल्डिंग में रहने वाले उनके घर में गए तो उन्हें 4 साल की बच्ची और 1 साल का लड़का खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके बाद बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मां को इलाज के लिए वाशी के महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। 32 वर्षीय आरोपी की मां का नाम पुष्पा गुर्जर, बेटी दीपू गुर्जर की उम्र 4 साल और राहुल गुर्जर की उम्र 1 साल है। आरोपी पुष्पा गुर्जर के खिलाफ रबारी थाने में मामला दर्ज किया गया। We'll be right back.